सब्जियां और फलों को वीक में एक दिन लाना और फिर साफ करके पूरे वीक के लिए फ्रिज में रखने से मुझे 6-7 दिन तक सब्जियों की टेंशन नहीं रहती और पूरा वीक खाना बनाने में बहुत ही आराम रहता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डील विद लाइफ। तो आज सब्जियों और फलों को सैनिटाइज करना मींस जर्म्स, बैक्टीरिया, पेस्टिसाइड फ्री करना बहुत ही कम खर्चे में आज आपसे शेयर कर रही हूँ। ये मैंने बनाया है वेजी क्लीन मींस वेजी सैनिटाइज़र। इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ पोटेशियम परमैंगनेट, जो बहुत ही सस्ता सा आता है और आपको किसी भी केमिस्ट शॉप से मिल जाएगा। ये पूरा पैकेट मैंने 50 रुपये में लिया है। ये कुछ ऐसा दानेदार सा होता है, देखिए इस तरह का, और ये पिंक से कलर का होता है। ये पैकेट मेरा बहुत महीनों तक चलता है क्योंकि ये बिल्कुल हमें एक चुटकी लेना होता है। देखिए ये बिल्कुल एक चुटकी। अब मैंने ये एक बाल्टी में पानी लेके ये इसमें घोल लिया है और ये देखिए ये पिंक कलर का हो गया है पानी। इसको घोलने से ये मेरा बन गया है वेजी क्लीन। और दूसरी बाल्टी में मैंने लिया है साफ पानी। तो जो अब ये मेरा पोटेशियम परमैंगनेट घोल का वेजी क्लीन बना है, इसमें मैं सारी पत्ते वाली सब्जियां, बिना पत्ते वाली सब्जियां सब इसमें सोक कर रही हूँ। और जो भी फल वगैरह हैं हमारे, ये सब मैं इसमें डाल दूँगी। ये मुझे 5 मिनट तक सोक करके रखना है जिससे ये मेरे सारे फल और सब्जियां डिसइंफेक्टेंट हो जाएंगे। देखिए इस तरह से 5 मिनट तक हम इसमें रखेंगे। आजकल कोविड के ज़माने में तो बहुत ही ज़रूरी है, बाकी ये फूड पॉइजनिंग से भी हमें बचाव करता है। अब मैं इसको साफ पानी में डाल दूंगी 5 मिनट बाद, सारी सब्जियों और फलों को 5 मिनट के बाद ये साफ पानी में डाल के, और मैं ये बाकी की सब्जियां उस सैनिटाइज़र में डाल देती हूँ क्लीन करने के लिए, और ये साफ पानी से ये निकाल दिया मैंने। अब तो अब ये मेरे सारे फल सब्जी बिल्कुल क्लीन सैनिटाइज हो गए हैं। इसी तरह से ये बाकी की बची सब्जियां मैं 5 मिनट सोक करके पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में फिर साफ पानी में डाल देती हूँ। तो इससे मेरे सारे फल और सब्जी एकदम डिसइंफेक्टेंट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल ना के बराबर खर्चा आता है और आजकल मार्केट में बहुत ही महंगे महंगे वेजी क्लीन्स आ रहे हैं, तो ये बहुत ही सस्ता तरीका है जिससे आप अपने फल सब्जियों को साफ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बी हेल्दी एंड बाय।